हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस एक्सप्लोर। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है 29 सितंबर को जो पेपर हुआ है आज का, उसकी वीडियो है, एकेडमिक की वीडियो है। और ये जो वीडियो है मॉर्निंग जो बैच में पेपर हुआ था उसके टास्क के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वीडियो है, और ये एकेडमिक की है। तो जो सबसे पहली बात है वो टास्क वन में था, जो वो बार चार्ट आया हुआ था। देखो दोस्तों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बार चार्ट है वो काफ़ी आ रहा है, और बार चार्ट है जो अगर आप उसको मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पता रहता है कि मैक्सिमम क्या आ रहा है, बार चार्ट आ रहा है या पाई चार्ट आ रहा है या क्या आ रहा है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेते हो। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि ये मेरा जो चैनल है उसमें मैं जो प्रीवियस हैं एग्ज़ाम है मैं वो डालता रहता हूँ, तो आप इसको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके। तो दोस्तों, जो सबसे पहला है टास्क वन वो था बार चार्ट, जिसमें दिखाया हुआ था कि एवरेज डेली जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल है दो एयर पोल्यूटेंट्स का, पोल्यूशन कितने हैं, पोल्यूटेंट्स के नेम बताए हुए थे कि कितना पोल्यूशन करते हैं वो, फोर बिग सिटीज़ में, फोर मेजर सिटीज़ में बताया हुआ है 2000, ठीक है। पास्ट में लिखना है, ये सारा आपको पता ही है, जब उन्होंने ईयर दे दिया है, ईयर बता दिया है तो पास्ट में होता है। कई बार ये सारा पास्ट में होता है, कई बार क्या होता है पास्ट से लेके प्रेजेंट फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं। तो इस तरह के ये जो हैं टास्क वन आ जाते हैं। तो टास्क टू में क्या है, इन मेनी कंट्रीज ए लॉ स्टेट सेज दैट यंगस्टर मस्ट अटेंड स्कूल और कॉलेज अंटिल दे बिकम 18। तो दोस्तों, ये दूसरे तरह का है। पहले आपको मैंने बताए थे जो टास्क टू था वो टाइप और था, और ये अब नए टाइप का आ गया है। तो इसमें जो है वो क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसमें आउट वे पूछा हुआ है, कि जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं या नहीं, तो इसमें ये बताना है। इसके अकॉर्डिंग आपको रीशेप करना पड़ेगा एसे को। तो इस एसे को आप कैसे लिख सकते हो, लिखना लिखने का स्ट्रक्चर वही सेम है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन के बाद BP 1, BP 2 और आपका कंक्लूजन। लेकिन उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे, वैसे ही जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट के बाद आपकी जो है उसकी, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट के बाद उसको आप लिखते थे जो उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट, उसके बाद आपने इसको रिफ्रेस करना है। रिफ्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, थीसिस स्टेटमेंट, जो थीसिस स्टेटमेंट है अब उसमें आप क्या लिखोगे, कि अगर आपको लग रहा है कि इसके जो फायदे हैं वो डिसएडवांटेजेस को आउटवे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, और आउटलाइन स्टेटमेंट उसी के साथ आप मर्ज कर दोगे कि इस एसे में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फिर जो BP 1 है, अगर आप आउटवे कर रहे हो कि आपको लगता है कि फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है, तो आप क्या करोगे, दो एडवांटेजेस इसके फिर BP को बढ़ा दोगे, 3 BP बना दोगे, BP 1, BP 2, BP 3, तो दो एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस, एंड पे कंक्लूजन। तो ऐसी क्या है कि अगर आपको नहीं लग रहा डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लग रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो आप डिसएडवांटेजेस दो लिख दो और एडवांटेज क्या है एक लिख दो, और उसको कंक्लूजन में कंक्लूड कर दो। तो दोस्तों, इस तरह इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसी वजह से दोस्तों मैं पेन के साथ लिख के आपको बोल भी देता हूँ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।